वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। हेलो, देखिए इट्स मॉर्निंग टाइम और आज बारिश नहीं आ रही है। नाउ मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो बच्चे सोच रहे हैं कि क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऑलवेज वी यूज़ टू मेक वीडियो फॉर दोज स्टूडेंट्स दोज हु आर सर्चिंग फॉर मोर देन 700 मार्क्स, दैट इज 720 आउट ऑफ 720। बट we are not going to care for those students, those who are struggling just to get a government seat. So this video is just for those students jo apni hope kho chuke hain, unhe lagta hai unhone theek se padhai nahi ki. To chaliye main mudde par aata hu. Agar aapne thoda bhi padhai ki hai to now my dear students, in sab cheezon se dur rahe jo log likhte hain YouTube pe, you must have seen क्या ये एक महीने में आपका सिलेक्शन करा देंगे, लास्ट 20 डेज, लास्ट 30 डेज, अभी थोड़ा सा अगर टाइम बढ़ गया तो लास्ट टू मंथ्स, या लास्ट में कहेंगे लास्ट 5 डेज, आइए आपका सिलेक्शन कराएं। लास्ट 5 डेज में आप उनके सब्सक्राइबर बनेंगे, आप उनको व्यूज़ देंगे, दे आर जस्ट डूइंग ऑल दोज थिंग्स टू कलेक्ट द व्यूज़। देखिए जो सच्चा इंसान है वो व्यूज़ के लिए काम नहीं कर रहा, आपको सही राय देगा, राइट? खैर एनीवेज, मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ कि यू जस्ट गो थ्रू ऑल योर नोट्स जो आपके टीचर ने पढ़ाए हैं, उस पर पूरा भरोसा करिए 100%, क्योंकि टीचर ने जिससे पढ़ा है उसके नोट्स लेकर बैठ जाइए। वो रिवाइज करने के बाद जस्ट रीड आउट NCERT लाइन बाई लाइन, तो आपको एहसास होगा कि आपके टीचर ने आपको बहुत अच्छा पढ़ाया है, बिकॉज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड NCERT। और NCERT आपको समझ में आ रही है, दैट मीन्स आपका सिलेक्शन पक्का है। आपको इधर उधर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़, भूल जाइए आप किसी टीचर को या यूट्यूब को जानते हैं। होता क्या है, हम इधर उधर XYZ बुक्स को सॉल्व करते हैं और टीचर को याद करते हैं, टीचर के पास उतना टाइम नहीं होता और हम मायूस हो जाते हैं। अरे ज़रूरत ही नहीं है टीचर की राइट नाउ, यू जस्ट स्टिक टू योर NCERT। NCERT में जो डेटा दिया है उसको रट्टा मार दीजिए, क्या रिएक्टेंट है, क्या रिएजेंट है, क्या प्रोडक्ट है, बाकी उससे रिलेटेड ज़्यादा करना है तो वो रैंक के लिए है, नॉट फॉर सेलेक्शन। सेलेक्शन के लिए तो आप अगर NCERT की सारी रिएक्शंस जानते हैं, सारे न्यूमेरिकल्स जानते हैं, इन ऑर्गेनिक का डेटा जानते हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। इतना ही कहना था, भरोसा करिए सिर्फ अपने आप पर, NCERT पर, और आपके गुरुजी जिसने भी आपको पढ़ाया हो उन नोट्स पर। उसके अलावा भूल जाइए कहीं कुछ सोचने देखने का, तो सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में होगा। बाय टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।